हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मेरा नाम है अनुज तनवर और आप उस टाइम भोगी गेंगे चैनल में। तो आज की वीडियो में भाई मेरे पास एक ऑर्डर आया है एनिमे देवता से। एक्चुअली आपको पता नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लेकिन एनिमे देवता से आया है और इसकी मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये क्योंकि स्कूल खुल गए और मेरी क्लास भी अब बढ़ चुकी है, क्योंकि मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए मेरी पुरानी क्लास में, लेकिन मैं बताने नहीं वाला मैं कौन सी क्लास में हूँ। तो ठीक, ये एनिमे देवता से आया है और इसमें ज़्यादातर स्टडी का सामान होएगा, तो एक्शन फिगर वगैरह बाद में ले लूँगा मैं, फ़िलहाल तो अभी कोई प्लान नहीं है। और यहाँ पे मेरा एड्रेस है जहाँ पे मेरा हाथ है, तो मैं इसे पहले ऐसे कर देता हूँ और अभी यहाँ से खोलता हूँ, ठीक है। और ये वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा खास एडिटिंग करूँगा नहीं, तो आप देख लो बस, क्योंकि अच्छे से बनाना चाहिए यार जो भी चीज़ ले लो। इस बार मैंने एनिमे देवता से पहली बार लिया है, एक्चुअली देखा जाए तो कहीं ना कहीं मैं एक्चुअली मैंने लिया है, उनसे पोस्टर भी लिया था पिछली वीडियो में, मैंने देख रखा है। मतलब आप जाके चेक कर लो, मेरे पिछली वीडियो में पोस्टर लिया था और मुझे एक स्टिकर फ्री मिला था। इस बार देखते हैं क्या फ्री में मिलता है। और हाँ, आपको थोड़ा थोड़ा दिख गया होगा कि कौन सा है वो। ओ, स्टिकर फ्री मिले हैं यार, स्टिकर तो फ्री मिले हैं। चलो पहले घुमा लेते हैं। और मैंने दो कॉप मतलब दिखाई देते हैं निकाल के धीरे धीरे। और ये खुल गया और ये आप देख सकते हो। ओ भाई 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 भाई, गिर गया गिर गया। देखो इसे थोड़ा साइड रख देता हूँ, एक्चुअली स्क्रीन में ही रख देता हूँ, वो भी मैं दिखाऊंगा। ये है भाई मेरा एक रजिस्टर। ओ भाई यार, क्या क्या गिर रहा है भाई। मैंने तीन चीज़ें तो मंगाई भी नहीं थी, ये तो तीन तीन आ गए, मैंने दो ही मंगाए थे। चल ठीक है, और तो कुछ नहीं है। ओ अंदर है, ठीक है। रुको इसे पहले निकाल लेता हूँ। और स्टिकर्स भी है, ये देखो भाई, ये कुछ स्टिकर आए हाई क्यू के भाई। फिलहाल मैं इसे देख रहा हूँ, पूरा कंप्लीट नहीं किया, तो हाई क्यू के स्टिकर है ये, जो उन्होंने मेरे को फ्री में दिया आई थिंक। और ये बुक मार्क है भाई शेंक्स का, क्योंकि आजकल मैं वन पीस का बहुत ही ओपी फैन हूँ, तो ये मैंने खुद मंगाया है। ये मत कहना कि यार ये फ्री में मिला, ये मैंने मंगाया है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ मंगा पढ़ना स्टार्ट करूँ, तो उसके लिए मैंने ये बुक मार्क मंगाया है, तो इसे साइड में रखते हैं। और ये शायद मेरे को एक और स्टिकर दिखाई दे रहा है। एक्चुअली यार क्या है, अबे यार भाई ये स्टिकर वापस दे दिया भैया, मैंने कहा तो था, मतलब ये स्टिकर मेरे पास है यार, मुझे पिछली बार मिला था, इसका पार्टनर दे देते वो चल जाता। चलो ठीक है, अच्छी बात है, दिया है कुछ तो दिया है। और ये रजिस्टर है दोस्तों वन पीस का, और ये अभी ये भी दिखाऊंगा, बहुत ही ओपी चीज़ है। और ये तीनों भी दिखाऊंगा भाई, ये भाई ये देख लो, वन पीस का रजिस्टर है। अगर आप ये आर्ट को अच्छे से देख रहे हो तो इसमें आपको पता चल रहा होगा कि ये इसने चॉपर की हैट, शेंक सांजी की बीड़ी और जोरो की ग्लासेस, नहीं जोरो की ईयररिंग्स, और मतलब इसमें सारे करेक्टर्स हैं। थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखो, पता चल जाएगा। और ये कॉल देखो ना यार, थोड़ा सा यहाँ से ऐसा बना हुआ है यार, मज़ा नहीं आया यार। ठीक है चलो, थोड़ा बहुत चलता है। और अंदर से पेजेस एकदम ब्लैंक है, क्योंकि नोट्स बनाने के हिसाब से तो चलो ठीक है, वैसे भी अब मेरी बड़ी क्लास है तो वहाँ पे ज़्यादातर नोट्स ही बनते हैं, तो ये ठीक है। इसे मैं फ़िलहाल अपने बेड पर डाल दूँ। ओह यार, एक और रिवील हो गया यार, शिट, मुझे लग रहा था कि मैं दिखाऊंगा थोड़ा आराम से, लेकिन ठीक है दिख गया। ये है भाई तानजीरो की, भाई मैंने डीमन स्लेयर फ़िलहाल हाल ही में ही ख़त्म करा है और सीज़न 3 आने वाला है, पता नहीं कब आएगा, अभी तो कोई रिलीज डेट आई नहीं है फ़िलहाल। तो ये तानजीरो की है, लेकिन ये छोटे साइज़ की है, इसमें 160 पेज है, वो 200 पेज की थी। और सेम क्वालिटी है और कुछ स्टिकर वगैरह नहीं है, तो इसे फ़िलहाल मैं इसी में रखूँगा, तो अभी इसे साइड रखते हैं। और अब मैं आपको ये बॉक्स में दिखा दूँ यार, इसके पीछे बहुत तगड़ी कहानी है, तो सुनो पहले दिखा देता हूँ फिर सुनाता हूँ। ये देख लो, ये जापान से बना है और इंडिया आया है, बहुत ही मेहनत से काम कर रहे हैं वो अपना। और ये है भाई नारुतो का पेन, क्योंकि नारुतो का शिंपुड़े मैंने आधा देख लिया सीज़न 7 तक और अभी रह रहा है, तो ये पेन है, मुझे चाहिए था तो मैंने ले लिया। एक्चुअली मेरे को चाहिए नहीं था ये, मेरे को वन पीस का चाहिए था, तो मैंने इसे ख़रीद लिया और फिर एक से दो दिन बाद लूफी का लॉन्च हो गया,
मेरे को भाई लूफी का चाहिए था यार, नारुतो तो यार सब देखते हैं, मेरे को तो लूफी का चाहिए था। लेकिन चलो ठीक है, ये पेन बहुत ही अच्छा है, जेल है आई थिंक, या फिर बॉल भी हो सकता है। और इसे साइड रखते हैं, और अब इन्हें देखते हैं। ये भाई मैंने ना एक्चुअली मंगाई तो सिर्फ दो ही इरेजर्स थी, लेकिन पता नहीं कैसे तीन आ गई। तो अब खोलते हैं, इसमें एक होगी भाई सास्के की, सास्के की भाई मुझे नहीं पता, का नारुतो काकाशी, मैंने नारुतो और काकाशी की मंगाई थी इरेजर्स। और ये पता नहीं कौन को एक और एक्स्ट्रा आ गई, आई थिंक उन्होंने गिफ्ट दिए, तो एक बार मैं खोल के चेक कर लेता हूँ। खुल जाए यार, डब्बा काफ़ी अच्छा है लग रहा है यार, सच में डब्बा बहुत प्यारा है। खुल जा, हाँ खुल गया। ये भी भाई जापान से आई है, देखो फोकस हो रहा। अच्छा चलो छोड़ो ना, जापान से आई है भाई ये सारी चीज़ें, और वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं यार, जापान से ऐसी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्शन फिगर्स मंगा रहे हैं। और इसमें से कौन सा करेक्टर निकला है, ओ हिनाटा, हिनाटा वो, ये हिनाटा का साथ कार्ड भी आया है हिनाटा का, और हिनाटा की इरेजर भी है, और इरेजर भाई हिनाटा गिर गई, और हिनाटा की भाई इरेजर भाई सच में ही काफ़ी अच्छी है, लिटरली बहुत अच्छी है, मैं मजाक नहीं कर रहा, सच में बहुत अच्छी है। इसे यहाँ रखते हैं, हिनाटा में खड़ा नहीं होया जा रहा। और ये कार्ड यार मैं रखने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को ये अच्छे लग रहे हैं, लेकिन थोड़े बैंड है, तो चलो देखेंगे, मुझे अच्छे लग रहे ये कार्ड। और फिर इसका मतलब इसके अंदर नारुतो और सास्के वगैरह होंगे। तो ये एक इरेजर भाई उन्होंने मेरे को फ्री में दिए, मैंने तो बस दो ही मंगाई थी, साकुरा की भी दे देते तो मज़ा आ जाता यार, पूरा सेट हो जाता मेरे पास। चलो स्टिकर दे दिए इतने अच्छे अच्छे और क्या ले। लेकिन भाई इस जो ये स्टिकर है ना, इसका मैं नाम भूल गया, लेकिन चलो छोड़ो, योर नेम से है ये। जब ये स्टिकर आया था ना, मुझे पता नहीं था योर नेम कौन सी मूवी है, तो मैंने उसके बाद योर नेम देखी, और लिटरली भाई योर नेम बहुत अच्छी मूवी है। और मैंने वेदरिंग विद यू भी देखी, और वो भी हिंदी में। हाँ लग रहा है वो ऐसे लोगों को कि हाँ हिंदी में, हिंदी में कहाँ से आ गई, लेकिन हिंदी में देखी मैंने। अरे यार बॉक्स थोड़ा सा डैमेज हो गया, वो इसके अंदर से भाई कासा की आ भाई, मुझे इसका नाम नहीं आता यार प्रोनाउंस करना, तो छोड़ो जैसे स्किप इट। इसका ये कार्ड आया है, ये भाई ये कार्ड एकदम सही कंडीशन में, भाई ये ख़राब नहीं है, ये एकदम सही कंडीशन में, तो मैं इसे सही में ही रखूँगा। तो इसे यहाँ रखते हैं। और ये इरेजर है भाई, एक्चुअली मेरे को ना ये इरेजर ही चाहिए थी, क्योंकि ये आप अगर आप आँख को थोड़ा सा ध्यान से देख पाओ, तो ये एक आँख में रिनिगान यूज़ कर रहा है, रिनिगान ही कहते हैं ना इसे, रिनिगान नहीं कहते यार, मतलब मैंने यार अच्छे से नहीं देखा, मैंने बस सात सीज़न देखे वैसे मैंने, और मुझे नाम बोलना नहीं आता, तो बस हाँ यही है, इसलिए मैंने इसे लिया। और अब तो आई थिंक इसके अंदर नारुतो होएगा लास्ट के अंदर, तो देखते हैं। और बुक मार्क भी भाई मेरे को बहुत अच्छा लगा, लेकिन बैंड आया है, और ये थोड़ी दिक्कत है, तो उन्हें भाई थोड़ा बहुत ध्यान अभी भी देना है, क्योंकि बैंड नहीं देना चाहिए यार ऐसे। और जो बुक लाइनों में बुक जो है भाई, उसमें लाइनें भी होनी चाहिए, कुछ ऐसा करो लाइन वाली और बिगर लाइन वाली, स्केच बुक यार ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, तो भाई लाइन वाली बुक भी दो। मैं फ़िलहाल ऐसा, अबे यार ये क्या कर दिया, ये देखना भाई यार, दो दो थोड़ी ना चाहिए थी, मैंने नारुतो ऑर्डर करा था यार, रिप्लेसमेंट भी नहीं है, अबे यार ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन भाई मैं डालूँगा यार, मैंने नारुतो की मंगाई थी यार, दो दो का यार भाई इसका नाम नहीं पता, लेकिन दो दो दे दी, और जो मैंने मंगाई नहीं थी वो भी दे दी, अबे यार ऐसे थोड़ी ना होता है, मैंने नारुतो मंगाई थी। चलो कोई बात नहीं, मैं लेकिन उनकी कंपनी में भाई कंप्लेंट ज़रूर डालूँगा। लेकिन फ़िलहाल दैट्स इट, इतना ही है फ़िलहाल की अनबॉक्सिंग में। और ये भाई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, देखो भाई शैंक्स अपनी भाई तलवार निकाल रहा है, इस तलवार का नाम आई थिंक एस है ना, या फिर वो तो शायद गोल्डी रॉजर की सुकड़ का नाम एस है, याद नहीं मेरे को, लेकिन था किसी के स्वॉर्ड का, और लूफी के भाई का नाम एसी है, तो ठीक है बहुत अच्छा है। और ये फ़िलहाल मैंने अपना आज कैमरा एंगल थोड़ा सा चेंज करा है, तो मेरे को बता देना कि कैसा लग रहा है, अगर सही है तो मैं आगे को भी यही रखूँगा। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो, अगर अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, और चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाओ, आई नीड ओनली वन सब्सक्राइबर फॉर क्रॉसिंग 50 सब्सक्राइबर्स, एंड
50 सब्सक्राइबर्स पे पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। 1 अप्रैल से पहले पहले 50 सब्सक्राइबर्स हो जाए तो मज़े आ जाए। तो अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए पीस आउट दोस्तों।